सर क्या मामला है जो आप धरना दे रहे हैं? हम बेहद शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को शासन सत्ता और प्रशासन के बीच में रखना चाहते हैं। आज जो अमर्यादित कार्य हुआ, हमारी माता रानी की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ किया गया, उसे तोड़ा गया और हमारे श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की गई, जिसमें वो गंभीर रूप से वो घायल हुए और कुछ तो सुल्तानपुर और कुछ लखनऊ पहुंच गए हैं, जिसका हम घोर निंदा करते हैं और प्रशासन से यह मांग करते हैं कि त्वरित कार्रवाई अगर नहीं होती है, जैसा कि जो भी उग्रवादी या फिर उग्र आंदोलन के माध्यम से उन्होंने हमारे हिंदू साथियों के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की है, उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई नहीं होती है, सुसंगत धाराओं में मुकदमा नहीं पंजीकृत नहीं किया जाता है, और वो स्थान जिस पे हमको संदेह है कि वो उनके वहाँ के लोग PFI से भी संबंधित हैं, उसकी जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जब तक ये कार्रवाई नहीं होती हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। और आज हम लोग इस माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि आज शाम तक इस कार्रवाई का हम इंतज़ार करेंगे और कल सुबह 10 बजे के करीब हम लोग धरना प्रदर्शन पे पारा चौराहा बैठेंगे। और आप सभी से निवेदन है, हम हिंदू भाइयों से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि इस आंदोलन में बेहद शांतिपूर्ण तरीके से किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमें अपनी बात को एकदम शालीनता के साथ शासन प्रशासन के साथ रखना है और हमें कार्रवाई करवाना है, और जब तक उनका घर उस विद्रोहियों का मकान ढहा नहीं दिया जाता है तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और भूख हड़ताल से नहीं उठेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।